प्रतीक्षा मोजवानी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार यूपी बारिश से लोगों के बेहाल, अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। दो दिन के ब्रेक के बाद फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। जेई में परीक्षा के लिए आज है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। जिम्यानंद केस रेप का आरोप लगाने वाली लॉज हजरत के समर्थन में कांग्रेस की न्याय यात्रा को नहीं मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार में बीते कुछ दिनों से हो रही है लगातार बारिश ने आम लोगों की समस्या बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले कुछ दिनों तक स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला दिया है। पेट्रोल डीजल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सोमवार को 8 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वही डीजल के दाम में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में 9 पैसे जबकि चेन्नई में 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जेई में 2020 रजिस्ट्रेशन की आज है आखिरी तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 6 से 11 जनवरी 2020 तक जेई में परीक्षा आयोजित करेगी। जेई में रजिस्ट्रेशन फीस 1 अक्टूबर 2020 तक जमा की जा सकती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। कांग्रेस विधानमंडल दम की उप नेता आराधना मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया था कि प्रदेश की भाजपा सरकार बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिम्यानंद की मदद कर रही है। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद को नजरबंद किया गया है। 3 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, एमएनएस हिंदी न्यूज टाइप करिए, डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए। धन्यवाद।